हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ टीके फॉल्स। वो यहाँ से कम 50-60 किलोमीटर है, एक घंटा लगने वाला है। और आज संडे है, आज का फिर मैं सोचा कि फिर से तूफानी करते हैं, तो आज मैं जा रहा हूँ टीके फॉल्स। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। देखते हैं वहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे होता है। बहुत दिन से मेरा मन था बट मैं अभी तक जा नहीं पा रहा था, आज मैं खाली बैठा था तो मैं सोचा चलो चलते हैं। ओके गाइस, तो मैं अभी नाइस रोड में पहुंच गया हूं और नाइस रोड में मुझे नाइस नाइस फूल मिल गए हैं। खुशबू तो कुछ भी नहीं है बट अच्छा है। और यहां का व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इस तरफ का भी और इधर का भी और पीछे का भी, बहुत अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे ये प्राइवेट रोड है, नाइस रोड करके इसका नाम भी है। और ये प्राइवेट रोड है, वो जिसकी भी ये रोड है हमको यहाँ पे टोल देना पड़ता है, चाहे बाइक से आओ, चाहे कार से आओ, चाहे जिससे आओ। और ये हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस और बहुत टाइम बचा देता है, इसके लिए ये रोड बनाई गई है। और ये प्राइवेट है तो इसलिए इसमें पैसा लगता है। बट एनीवेज, यहाँ पे मेरे को नाइस रोड में नाइस नाइस फूल मिल गए हैं और नाइस नाइस व्यू मिल गया है और नाइस नाइस स्पीड भी मिल गई है। तो मैं मजे करते हुए अब जा रहा हूँ और चलते हैं आगे जाके। अभी हमको रेस्टोरेंट में, अभी मेरे को भूख लग गई है तो मैं रेस्टोरेंट में रुकूंगा, तो वहाँ का आप लोगों को कुछ कुछ दिखाता हूँ, देखता हूँ मैं क्या खाता हूँ। तो बस चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारे यहाँ से जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ से अभी 8 किलोमीटर बाकी है। और यहाँ पे मेरे को भूख भी लग गई थी, 2-3 बज रहे हैं और जस्ट मैं यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कबाब माल करके लिखा है, वेज नॉन वेज दोनों हैं और ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और खाना खाऊँगा और फिर उसके बाद फिर निकलता हूँ। तो देखते मैं आज खाना क्या खाता हूँ, अच्छा ऑप्शन हो अगर वेज में तो खाऊँगा, नहीं तो फिर मैं कहीं और जाऊँगा। लेट्स सी। जो आपकी प्यास बुझा दे बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो ऑल राइट, तो मुझे यहाँ पे साफ सफाई अच्छी लगी और वेज का ऑप्शन है, अच्छा है। तो मैं अभी अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर कर दिया हूँ और पेंडा के साथ। तो बस अभी मैं खाऊंगा, आप लोगों को मेरा खाना तो ऑर्डर दे दिया है, तो खाना जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और फिर उसके बाद लग जाऊंगा खाने में। बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, तो बस वेट करते हैं, आप लोग भी वेट करते रहो जब तक आप पियो पेंडा जो आपकी प्यास बुझा दे। ओके गाइस, तो अभी मेरा ये हरा हरा बिरयानी आ गया है, वेज बिरयानी। बाकी मैं यही खाने वाला हूँ, केला का पत्ता और नीचे प्लेट भी है। तो ये मतलब हर तरह से मॉडर्न करने की तैयारी कर रहे हैं, बस खाते हैं। ऑल राइट, तो अभी मेरा खाना वाना हो चुका है और बहुत ही अच्छा था खाना। बहुत टेस्टी भी था और इनकी प्राइस रेंज तो बहुत ही ऑसम थी, मतलब कि 120 से लेके 150 और 200। तो 200 में मेरा नॉर्मल खाना जब मैं घर में खाता हूँ, मतलब ही जाता हूँ जब, तो मैं वहाँ पे खाता हूँ तो मेरा कम से कम 250-260 आता है। यहाँ पे मेरा 170 में पूरा सब कुछ हो चुका है और पेट भी भर गया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी वगैरह सब कुछ आ गया 170 में। तो मतलब कि सच में बहुत अच्छा था। और खाने का टेस्ट जो मेन होता है, पैसा तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, खाने का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। और मेरी आँखों में धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, तो मैं इधर से निकलता हूँ और चलते हैं हम मॉल में, और मतलब चलते हैं हम वाटरफॉल में और फिर उसके बाद वहाँ पे मज़े करते हैं। तो लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ टीके फॉल्स। अभी अंदर जा रहा हूँ और देखते हैं कि कैसा दिख रहा है।
बाकी तो मैं चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल है। और यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती की फ़ीस मांगते हैं, तो आप लोगों को उसको अवॉइड करना है। और आस्क की मैं नहीं दूंगा, इफ़ दे आर आस्किंग तो बोल दो कि भाई मेरे को रिसिप्ट दो, फिर मैं आप लोगों को फीस दूंगा। तो बस अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, चलते हैं। ओके गाइस, तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ टीके फॉल्स के टॉप के 1% नीचे, और यहाँ पे टीके फॉल्स दिख रहा है आप लोगों को। नहीं दिख रहा है क्या? दिखाता हूँ, ये है। That's quite big. Impressive. Actually, मैं आया था टीके फॉल्स देखने, और मैं ये नाला देख के जाऊंगा क्योंकि और कुछ तो है नहीं इधर। टीके फॉल्स के नाम पे हमारा कार्ड दिया गया है, और वैसे भी ये गर्मियों के दिन है आई थिंक, इसलिए सूख सक गया है, पता नहीं यार। बरसात है, जुलाई है, पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में और दुनिया में, बट यही है। अब ये एडवेंचर कम्प्लीट हुआ और बस दैट्स ऑल। तो एक दो फोटो अगर खींचूँगा तो खींचूँगा, यहाँ पे फोटो खिंचाने लायक भी नहीं है। नीचे तरफ थोड़ा बहुत है भी, तो मैं वही डाल दूँगा इंस्टाग्राम में, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। और क्या, और बस सब लाइक सब्सक्राइब करते रहो। मैं इतनी मेहनत कर करके आता हूँ, इतने अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाता हूँ, और फिर उसके बाद ये मेरे को देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा तो हेल्प करो, और जस्ट सब्सक्राइब करना है, फ्री फ्री फ्री। तो बस जाऊँगा वापस, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है, तो वापस में क्या क्या एडवेंचर कुछ कर सकता हूँ तो दिखाऊंगा, अदरवाइज देखते हैं। ये है हमारा एडवेंचर गाइस। कोई गाना का पार्ट सुना देता हूँ, कौन सा? रुको, वेट वन मिनट, एक गाना आने वाला है। This is myself, गाना मेरे बारे में। I'm the one, चलता नहीं इशारे पे, I own my mind, नहीं बेचता मैं soul, heavy heart broken, गाना मेरे बारे में। मैं कैसे बोलूं, साथ मेरे कोई नहीं है, मेरे जैसे तुमने माँ खोई नहीं है, याद आता सब कुछ तो रो देता हूँ, भीगी ये आंखें रातें सोई नहीं है। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। आए गए गाना। ओके गाइस, ऑलराइट, तो मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ, और पूरा जंगल जंगल इधर भी पहले झरना हुआ करता था, अभी यहाँ पे सब लोग आते हैं और ये सब करते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं, और यहाँ पे पानी में पैर लगा के बैठते हैं, इसमें बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा। तो यहाँ से हमारे अभी ये सनलाइट बन गया है, 3 बज गए हैं, 4 और पार्टी अभी बाकी है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और कुछ कुछ तो खाएंगे पियेंगे, तो बस चलते हैं, लेट्स गो गाइस। तो अभी हमारा टीके फॉल्स का भी एडवेंचर कंप्लीट हो चुका है, और शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था, डिसअपॉइंटेड हूँ, और ऐसा लग रहा था डिसअपॉइंटमेंट हो गई है यहाँ पे आने के बाद, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले तो यहाँ पे हमको आने के बाद झरना मिला नहीं, तो पानी नहीं था बहुत ज़्यादा, तो ऐसा लगा कि यार कहाँ आ गए, क्या आ गए, क्यों आ गए। फिर उसके बाद जब यहाँ पे जो मैं ट्रैकिंग किया तो ऊपर, तो उसमें थोड़ा बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद पानी में जब जाके मैं बैठा ना, वहाँ पे पूरी थकान उठ गई, ख़त्म हो गई, तो फिर मज़ा आ गया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और बस चलते रहो, दिखाता हूँ और कुछ। यहाँ पे 100 रुपये अनार है, 100 रुपये सेव है, 80 रुपये ये है। ओके, तो मैं ये ले लिया हूँ बहुत सारा, और मार्केट से लेके आने में दिक्कत होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा होता है, 200 रुपये 300 रुपये मिलता है, इससे से यहीं से लेके जाओ। और कहीं भी आप लोग भी अगर जा रहे हो, कहीं आउटस्कर्ट में लोगे ना, तो बहुत अच्छा रहता है, तो ये ले लो। और ये मैं वैसे भी जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी ये ज़रूरत पड़ती है, तो अच्छी चीज़ें हैं। उल्टा सीधा खाने से अच्छा है कि 200-300 ये ले लो, और अच्छा भी है। बस यही है, अभी मैं ये रास्ते में ले लिया हूँ, अब बस निकलेंगे यहाँ से घर को, शाम भी होने लगी है। तो ये भैया बहुत अच्छे हैं, टेस्ट करने को दे दिए, इनको हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आती, बट जो भी है। भैया से हाय। ओके भैया, बाय, सी यू। ओके गाइस, तो अभी हम निकलते हैं, रास्ते में ही मिलते हैं, अगर कुछ और करता हूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं पहुंच चुका हूं घर, और अभी हेलमेट के कारण सारे बाल खराब हो गए हैं, तो बस अभी आज का व्लॉग यहीं तक था।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलना, बाय बाय।